साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप व्यू मीटर जो होता है, ये व्यू मीटर है मेरे पास, और इसको आप किस तरीके से इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एम्पलीफायर के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस एम्पलीफायर के साथ आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या आएगा, जो इसका एम्पलीफायर के ऊपर ढक्कन है उसको आपको खोलना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैंने किस तरीके से कनेक्शन किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं, जहाँ डीसी होता है यहाँ 12 वोल्ट आते हैं हमेशा। तो यहाँ पे डीसी पे ही मैंने ये जो इसका 12 वोल्ट है यहाँ लगा दिया मैंने ऊपर साइड, जो एलईडी की तरफ प्रिंट जा रहा था उस पर 12, और जो यहाँ पे एक और ग्राउंड है जो पूरे में घूम रहा है, ये ग्राउंड यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और नीचे भी जो नीचे भी कनेक्टेड है देख जो नीचे भी कनेक्टेड है ग्राउंड, और नीचे जो कि है ये 3 वायर है ये ग्राउंड। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑडियो का ग्राउंड भी एक ही है। तो यहाँ 3 वायर है, तीनों वायरों पे लगेगी। यहाँ पे ये ड्यूल है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, तो ऑडियो ऊपर पहुँचाने के लिए इसको जितना आप घुमाएंगे उतना कम होती जाएगी, मतलब उतना कम जलेगी ड्यूल जितना घुमा दोगे आप। तो ये वाले जो ड्यूल है ये लगे होंगे ड्यूल के जो बीच वाले पॉइंट। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो इसकी वायर है 3, तो ड्यूल के पीले वाले बीच वाले पॉइंट पे लग गई है, और जो ब्लैक वाली है वो साइड वाली पे लगी है क्योंकि वो ग्राउंड है, और एक ये वाली पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हुआ पड़ा है। तो आप भी इसी तरीके से लगा के और कहीं साइड में इसको इस तरीके से फिट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है ये व्यू मीटर जो होता है। ये जो इसकी आईसी में एक बार दिखा देता हूँ, आप जैसे कि देख पाएंगे इसमें, तो 2281 की आईसी में बना हुआ है ये। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 2281 की आईसी में बना हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे जो बड़ा व्यू मीटर है वो दिखाऊंगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है किस तरीके, इसमें 2 आईसी लगेंगी और बाकी ये 20 एलईडी लगेगी लाइन से, मतलब एक लाइन में 20 होंगे तो 2 2 40 होगी। तो इस वाले व्यू मीटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।